नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लातेहार जिले के चंदवा उपायुक्त लातेहार के पत्रांक 198 भू अर्जन के आलोक में NHAI NH75 फोर लेन 55.00 किलोमीटर कुडू से 95.460 किलोमीटर उदयपुरा तक बाईपास और सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित रैयतों व प्रतिनिधियों से सार्वजनिक परामर्श को लेकर सोमवार को चंदवा पश्चिमी पंचायत भवन चंदवा में ग्राम सभा संपन्न हुई। ग्राम सभा में सड़क निर्माण से प्रभावित हो रहे मौजा सिन्हा पिरदाग तोरार बैरगड़ा अमझरिया हुटाप बोरसीदाग लुकुया चीरो टुढ़ा रुद लटदाग नवाडी ससंग एते सिकनी के सभी हितधारकों और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ग्राम सभा में अंचल निरीक्षक रमेश रविदास, साइड इंजीनियर आसित कुमार दुबे, लैंड यूजेशियन सुनील मलवीय, धर्मेंद्र जोशी, NHAI के अमीन भरत महतो ने प्रस्तावित बाईपास व सड़क निर्माण से संबंधित जानकारी लोगों को दी व प्रस्तावित लुकुया से चीरो तक बाईपास व सड़क को लेकर बनाए गए नक्शे से भी अवगत कराया। ग्राम सभा के दौरान प्रस्तावित बाईपास व सड़क निर्माण से प्रभावित हो रहे रैयत रामयश पाठक, लाल रज विजय नाथ शाहदेव, सत्येंद्र यादव समेत अन्य ने कहा कि सड़क व बाईपास निर्माण हो, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले लातेहार जिले में हाल सर्वे में हुए जमीन संबंधित त्रुटियों में सुधार हो तभी बात होगी। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से जमीन संबंधित त्रुटि के कारण लातेहार की जनता त्रस्त व परेशान है। यहाँ तक कि सरकार की महत्वाकांक्षी बनहरदी कोल ब्लॉक का भी विरोध जमीन संबंधित त्रुटियों के कारण हो रहा है। सबसे पहले जमीन संबंधित त्रुटियों में सुधार हो, इस दिशा में पहल की जाए, तभी हम सभी रैयत बात करेंगे। वही ब्राह्मणी निवासी वासुदेव यादव ने सड़क की चौड़ाई क्या होगी व मुआवजे का क्या प्रावधान होगा, इससे संबंधित जानकारी मौजूद पदाधिकारियों से मांगी, जिसका संबंधित विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बाईपास व सड़क निर्माण को लेकर 60 मीटर भूमि का अधिग्रहण होना है। विभाग के पास पहले से ही लगभग 24 मीटर जमीन अधिग्रहित है। बचे हुए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा व सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा मुहैया कराई जाएगी। वही ग्राम में कुछ ग्रामीणों ने बाईपास के बजाय चंदवा के इंदिरा गांधी चौक होते हुए सड़क निर्माण की मांग भी रखी। ग्राम सभा में अधिकारियों के द्वारा विस्थापित हो रहे रैयतों की ओर से आए प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया गया, जिसे वरीय अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। करना है, देखिए, आम सहमति के लिए इसे बुलाया गया था इस सभा को, लेकिन आम सहमति नहीं बनी। रैयत लोगों का कहना था कि विगत सर्वे में जो गड़बड़ी हुआ है, NH के दोनों तरफ के भूमि का सुधार हो जाए, उसके बाद हम लोग सहमति देंगे। इसलिए ये सभा को हम लोग पेंडिंग में रखते हुए आम सहमति नहीं लिए। जितने 16-17 गाँव में जितने भी नागरिक आए थे, सबका यही विचार। वी टाइम न्यूज के लिए लातेहार से राहुल कुमार की रिपोर्ट।